बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान, माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों हमने डीए की मैथ 1, 2, 3 स्टार्ट की हुई है, फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 5.1। बच्चों एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हमने एक राइट ट्राइंगल एबीसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, और गैमा हमें किसके बराबर दे दिया, 90 डिग्री के बराबर। बच्चों इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7, और हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो हमें सी की देखो ना, जिस ट्राइंगल के अंदर गैमा हमारे पास 90 डिग्री आ जाए, या राइट ट्राइंगल का जिक्र कर दे, या हमें 90 डिग्री का एंगल दे दे, तो वहाँ पर हमने कौन से फार्मूले लगाने होते हैं। बच्चों ये फार्मूले लगाने होते हैं, साइन अल्फ़ा ए ओवर सी, कोज अल्फ़ा बी ओवर सी, टैन अल्फ़ा ए ओवर बी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 80 डिग्री के बराबर। बच्चों हमें ये एक ट्राइंगल हमने हल करनी है। अब हमें बी की वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि अगर कोई भी ट्राइंगल है उसकी 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। हमें सी साइड दे दी तो इसका मतलब बी साइड भी मालूम करनी है, और हमने ए साइड भी मालूम करनी है, बीटा और गैमे की वैल्यू दे दी, और हमने एल्फे की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम एल्फे की वैल्यू मालूम कर लेंगे। एल्फे के लिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से एल्फे की वैल्यू निकाल लेंगे, 90 डिग्री प्लस का बीटा माइनस का बीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बीटे की वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा हमारे पास 52 डिग्री 46 मिनट। अब कैलकुलेटर से हल करेंगे, 90 डिग्री डिग्री का बटन, फिर माइनस 52 डिग्री 46 मिनट, फिर डिग्री का बटन मिनट बनाने के लिए। तो बच्चों हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 37 डिग्री 14 मिनट। तो क्या करेंगे, इसको डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। एक हमें अल्फे की वैल्यू निकालनी थी, अल्फे की वैल्यू भी हमारे मौजूद है और सी की वैल्यू मौजूद है, तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए की, ए साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी, सी इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू पुट कर देंगे, सी हमारे पास 232 साइन आ गया, अल्फा हमारे पास 37 डिग्री 14 मिनट इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर से हल कर लेंगे, 232 मल्टीप्लाई साइन 37 डिग्री 14 मिनट, फिर इक्वल का बटन। तो बच्चों हमारे पास ए साइड की वैल्यू आ जाएगी 140.37, ए की वैल्यू आ गई, ए साइड की। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी साइड की। अब हमारे पास एल्फे की वैल्यू भी मौजूद है, एल्फे की वैल्यू भी मौजूद है और सी की वैल्यू भी मौजूद है, हमें इसमें से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की। तो हम फार्मूला लगा देंगे, कोज अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी, सी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इंटू कोज अल्फा इज इक्वल टू बी। तो सी की वैल्यू हमें पुट कर देंगे, 232 कोज आ गया, अल्फा हमारे पास 37 डिग्री 14 मिनट इज इक्वल टू बी। तो कैलकुलेटर से हल कर लेंगे, 232 ज़रबे कोज 37 डिग्री 14 मिनट, फिर इक्वल का बटन। तो बच्चों हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की, 184.71 इक्वल टू बी, ये हमें बी की वैल्यू फाइंड कर ली। बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, राइट ट्राइंगल की है। तो राइट ट्राइंगल के लिए बच्चों हमने ये फार्मूले यूज़ करने हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह ये फार्मूले अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। बच्चों हमें गैमा भी दे दिया, ए साइड दे दी, बी साइड दे दी, सी साइड दे दी, इसका मतलब क्या, हमें बी साइड भी मालूम करनी है।
और इसके अलावा हमें अल्फा मालूम करना है और हमें बीटा भी मालूम करना है। हमें बी साइड मालूम करनी है, अल्फा मालूम करना है और बीटा मालूम करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या मालूम करना है, अल्फा भी मालूम करना है और बीटा भी मालूम करना है। तो बच्चों ये फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, ए ओवर सी, ए ओवर सी यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे साइन अल्फा ए ओवर सी। तो ये साइन इसी तरह आ गया, अल्फा इज इक्वल टू ए हमारे पास 540 है, ए हमारे पास 300। बच्चों ये क्या कर देंगे, इसको रेज कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो ये साइन अल्फा इसी तरह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए हमारे पास 380, सी हमारे पास 540। ये साइन हमें वैल्यू निकालनी है अल्फे की, तो बच्चों क्या करेंगे, ये साइन उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 380 बटा 540। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर से हल कर लेंगे। बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद फिर साइन का बटन प्रेस करेंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, फिर ब्रैकेट शुरू करनी है, 380 तकसीम 540, ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज, फिर इसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। अब आंसर किसके अंदर आ गया, इशारिये के अंदर, क्योंकि अल्फा हमेशा किसके अंदर होता है, डिग्री के अंदर। तो बच्चों क्या करेंगे, डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास 44 डिग्री 43 मिनट 29 सेकंड। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, एल्फे की। अब किसकी निकालेंगे, बीटे की। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो बीटा इसी तरह आ गया, तो ये 90 डिग्री, ये प्लस का अल्फा माइनस का अल्फा हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, एल्फे की वैल्यू पुट कर देंगे, 44 डिग्री 43 मिनट 29 सेकंड। तो बीटा इज इक्वल टू, बच्चों क्या करेंगे, कैलकुलेटर से हल कर लेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री, फिर माइनस 44 डिग्री 43 मिनट 29 सेकंड, फिर इक्वल का बटन करेंगे प्रेस, तो बच्चों बीटे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 डिग्री 16 सेकंड 16 मिनट और 31 सेकंड। सेकंड के लिए 2 प्राइम लगाएंगे, मिनट के लिए 1 प्राइम लगाएंगे, तो वैल्यू ये बच्चों किसकी आ गई, बीटे की। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की। अल्फा भी हमें मालूम कर लिया और बीटा भी मालूम करनी, अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एल्फे की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, सी की वैल्यू मौजूद है, तो बी की वैल्यू यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, या बच्चों ये फार्मूला लगा देंगे, ए ओवर बी, एल्फे की ए की वैल्यू मौजूद है और एल्फे की वैल्यू मौजूद है, तो ये फार्मूला लगा देंगे बच्चों, टैन एल्फा इक्वल, बच्चों ये हमारी मर्जी है, जो सा मर्जी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। साइन एल्फा हमारे पास 44 डिग्री 43 मिनट 29 सेकंड इक्वल टू ए हमारे पास 380 और बी हमने मालूम करना है, बी उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, बी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये टेन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 380 डिवाइडेड बाय टेन 44 डिग्री 43 मिनट 29 सेकंड, बी इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर से हल कर लेंगे। बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने 380 तकसीम टेन 44 डिग्री 43 मिनट 29 सेकंड, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 383.66, ये वैल्यू किसकी आ गई, बीटे की।
तो बच्चों आपने ये हमारी आज हमने एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिया। एक्सरसाइज 5.1, 5.1 किसके ऊपर डिपेंड करती है? राइट ट्राइंगल के ऊपर, जो कि इसका एक गैमा हमारे पास कौन सा होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो बच्चों 90, ये राइट ट्राइंगल के जिस क्वेश्चन के अंदर राइट ट्राइंगल आ जाए या 90 डिग्री का एंगल आ जाए, तो उसके लिए बच्चों हम ये फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।